अनूठा है ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर के बाद दूसरा मंदिर चौमुहा में है। चौमुहा, ये कुदरत की अजीब विडंबना है कि जिसने बनाई हो सारी दुनिया, आखिर उसी की ना पूजा होती है और ना ही उनके नाम के मंदिर हैं। इसे उनकी स्वयं की महिमा कहा जाए या फिर कुदरत की विडंबना, ये गाथा किसी और की नहीं बल्कि सृष्टि की रचना करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी की है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना की। धरती पर भगवान विष्णु और महेश के तो कई मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर अधिक क्यों नहीं है। जहां धरती के लोग उस रचनाकार की पूजा करते हैं जिसकी वजह से इस दुनिया का अस्तित्व है, पुष्कर के बाद दूसरा मंदिर चौमुहा में है। वेदों में विदित है कि सृष्टि रचेता स्वयं ब्रह्मा जी एक बार आकाश मार्ग से अपने विमान द्वारा गुजर रहे थे। पृथ्वी लोक पर योगी राज भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने ग्वाल वालों के साथ गायों व बछड़ों को चराने की बात विदित हुई। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ झूठा सूचा भोजन को बड़े चाव से ग्रहण कर रहे थे। इस अजीब दृश्य से ब्रह्मा जी को संदेह उत्पन्न हुआ और मन में विचार आया कि साधारण बालक जो ग्वाल वालों के साथ गाय चरा रहा है और झूठा सूचा खाना भी खा रहा है, भला ये अवतारी भलान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण विमान को रोकने का संकेत दिया और भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की ठान ली। ब्रह्मा जी विमान से नीचे उतरते ही वहां मैदान में चर रही गायों व बछड़ों सहित ग्वाल वालों को एक झाड़ी की गुफा में छिपा दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया तो ब्रह्मा जी द्वारा रची गई लीला प्रभु पलक झपकते ही समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मायावी शक्ति से उतनी ही संख्या में व उसी आकार प्रकार के ग्वाल वाल गाय व बछड़ों को तैयार कर नंदगांव की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी ने समझा कि ये बालक नजर बचाकर हमारे द्वारा छिपाई गई गाय बछड़ों ग्वाल वालों को गुफा से निकाल कर ले आया है। ब्रह्मा जी ने आनन फानन में गुफा देखी तो वह वही दृश्य था जो बाहर का था। इस बार भी ब्रह्मा जी चकरा गए और सोचा कि अगर बालक मेरे डर की वजह से पुनः इसी गुफा में ग्वाल वालों व गाय बछड़ों यहाँ गुफा में छोड़ गया है, चलो देखते हैं कि ये बालक बाहर अब क्या कर रहा है। बाहर आते ही फिर वही ग्वाल वाल व गाय बछड़ों का दृश्य था। ब्रह्मा जी कभी गुफा देखते तो कभी मैदान की तरफ, लेकिन उनकी ग्वाल वाल व गाय बछड़े वहीं नजर आने लगे। तभी ब्रह्मा जी समझ गए कि ये बालक नहीं, बालक स्वयं अवतारी भगवान है। ब्रह्मा जी का भ्रम तो दूर हुआ है, साथ ही साथ अहम भी चकनाचूर हो गया। अंततः ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी तो भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए वरदान मांगा कि प्रभु मेरी तपस्या इसी झाड़ी में पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी इसी स्थान पर बनी झाड़ियों के बीच तपस्या में लीन हो गए। सैकड़ों वर्षों के बाद एक पुजारी को इसी झाड़ी में ब्रह्मा जी की मूर्ति होने का स्वप्न दिया था तो झाड़ी को खुदवाया गया, तभी यहाँ पर एक ब्रह्मा जी की प्राचीन मूर्ति निकली जिसकी इसी स्थान पर स्थापित करवाया गया। क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा? चौमुहा। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे पौराणिक गाथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक दूसरे से बड़े होने की बहस छिड़ी हुई थी। इस विवादित के निर्णय के लिए ब्रह्मा विष्णु दोनों भगवान शिव के पास पहुंचे। ब्राह्मण विष्णु ने अपनी लड़ाई की बात बताकर जल्द निर्णय लेने की बात कही। भगवान शिव ने इस संदेह को दूर करने के लिए अपने शरीर का आकार विशाल कर दिया। शिव ने ब्रह्मा जी को पैरों की ओर नीचे पाताल में और भगवान विष्णु को सिर की ओर आकाश में था लेने अथवा दूरी मापने के लिए भेजा और शर्त रखी कि जो इस काम को जल्दी करेगा वो ही दोनों में श्रेष्ठ कहलाएगा। काफी देर बाद भगवान विष्णु आए और माफी मांगते हुए बोले, प्रभु मैं आपके सिर की दूरी तय नहीं कर सका और ना ही मुझे आपके सिर की कोई था मिली है। इधर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से झूठ का सहारा लेते हुए कहा कि हे प्रभु, काफ़ी गहराई में जाकर पानी पानी है, पानी में बहुत अंदर जाकर पाताल में आपके पैरों की थाह मिली है। इसी झूठ बोलने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारी कलयुग में ना तो कोई पूजा करेगा और ना ही तुम्हारे मंदिर होंगे। आज समूचे विश्व में ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर कस्बा चौमुहा में है। इसके बाद दूसरा मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। यहीं पर स्थित है चंद्र सरोवर, जहाँ चंद्र देव ने स्नान का श्राप से मुक्ति पाई थी, तभी से यह चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से इंसान सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी के चार मुंह होने के कारण पहले यहाँ बसे गांव का नाम चौमुख था, फिर चौमुहा
अब कालांतर में नाम बदलकर वर्तमान समय में कस्बे को चौमुहा के नाम से जाना जाता है। शासन प्रशासन भी नहीं देता ब्रह्मा जी मंदिर को तवज्जो। 1960 के दशक में चौमुहा में स्थापित हुआ मंदिर शासन प्रशासन ध्यान दे तो बन सकता है आस्था का केंद्र। ब्रह्मा जी की मूर्ति आज भी सिद्ध और चमत्कारी है। चौमुहा 1960 के दशक में नमो नारायण बाबा को ब्रह्मा जी स्वप्न में दर्शन देकर अपनी मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनाने की बात कही। बाबा ने झाड़ियों से निकाल कर मूर्ति की स्थान पर स्थापना कराई। बताया जाता है कि अंत में नमो नारायण बाबा ने 24 गांव के लोगों के सामने जीवित ही मंदिर स्थल पर ही समाधि ले ली, जहां आज तक उनका समाधि स्थल बना हुआ है। उनके बाद कई साधु संतों ने ब्राह्मण में आकर ब्रह्मा जी की आराधना की। आज करीब 20 सालों से महंत राजा राम बाबा ब्रह्मा जी की सेवा में लगे हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मा जी की मूर्ति आज भी सिद्ध और चमत्कारी है। यहाँ जो भी इच्छा लेकर भक्त आता है उसकी इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। मंदिर के पास करीब 22 बीघा जमीन है, उसमें से कुछ उपजाऊ जमीन का हिस्सा दबंगों के कब्जे में है, जिस पर लगातार शासन से शिकायत के बावजूद भी आज तक जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है। पौराणिक स्थल होने के बावजूद भी यहाँ प्रशासन ने ना तो लाइट की कोई उचित व्यवस्था कराई है और ना ही मंदिर तक जाने के लिए कोई सड़क है। पास ही में बना ब्रह्मा कुंड भी अपनी दुर्दशा पर आंसू भरा रहा है। इस मंदिर की ओर नेता शासन प्रशासन समाज सेवी संगठनों के अलावा नगर पंचायत ने भी मंदिर की ख्याति की और कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि चौमुहा में ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। यह इसके बाद दूसरा मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। मंदिरों की नगरी से विख्यात ब्रज क्षेत्र में ब्रह्मा जी का मंदिर है जो श्री कृष्ण की गाथाओं से जुड़ा हुआ है, फिर भी इस मंदिर की ओर अब तक किसी का कोई ध्यान नहीं गया। ये मंदिर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और आस्था का मुख्य आकर्षक केंद्र हो सकता था। जी महाराज जी, ये बताइए यहाँ जो ये मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में मेला लगता है? ये यार उपलक्ष्य में लगे भैया, ब्रह्मा जी जो है यहाँ पे ग्वाल वाला ने ले गए, फिर ब्रह्मा जी यहाँ ले के आए चौमा में, ब्रह्म वन में अस्थि करी, तब यह गाँव का नाम पड़े चौमा। तो ब्रह्मा जी को जब ब्रह्म है को कि भाई झूठो खा रहा हो सब साथ में ग्वाल वाले ने, तो ग्वाल ले गए, एक साल बाद ले के आए, तब नाग भैया अस्थि करी, तब गाँव का नाम पड़ेगा चौमा, तभी तो ये दंगल हमेशा आते लगते चले आ रहा हूँ। कितना प्राचीन मंदिर है ये? तो द्वापर के समय से कृष्ण भगवान का चढ़ाते जाना ब्रह्म मंदिर। तो ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं? ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ है और यहाँ के बाद में पुष्कर में जो ब्रह्मा जी जाकर हवन करे हो ना, पुष्प ले गए वो आकाश से गिराओ, वो अजमेर के पास मंदिर पहाड़ के बीच में बाबू नाम पड़ेगा पुष्कर। इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई है? ये 3300 कोट देवता आए ब्रज के अंदर, उस समय सभी देवता आए, ब्रह्मा जी आए, पुष्कर जी आए, सभी देवता आए, तो सब देवता ने बेचारे भाई बहुत शुभ काम करो, तो ब्रह्मा जी ग्वाल वाले ने ले लेके आए, तो उन्होंने कहा तुम अशुद्धि करी, परिक्रमा करके आए पूरे ब्रज में अशुद्धि करी, फिर उन्होंने जो हवा नहीं जाकर करो पुष्कर में जाकर नहीं, तभी तो ब्रह्मा जी ने तप करें, तभी तभी से तप करते, तभी से यहाँ इस मंदिर की स्थापना, तभी से यहाँ मंदिर की स्थापना।